प्रधानमंत्री ने खाद्यान्न और ग्रॉसरी आइटम की चेन को और मजबूत बनाने के लिए देश के नाम संबोधन किया, लेकिन मेघनगर प्रशासन द्वारा घर पहुंच फल सब्जी सेवा प्रदान करने वाले छोटे व्यापारियों का सामान तराजू बाट जब्त कर बेवजह परेशान किया जा रहा है। मेघनगर प्रशासन का भेदभावपूर्ण रवैया हर किसी के समझ के परे। मात्र 500 की चालानी कार्रवाई करके गुटखा बीड़ी सामान ले जाने वाले लग्जरी कार वाहन को छोड़ दिया जाता है। वहीं सरकार के नियम और शर्त के आधार पर घर पहुंच सेवा देने वाले परिवारों का प्रशासन द्वारा बेवजह परेशान किया जा रहा है, जिस वजह से सब्जी और फल दुकान में ही पड़े रह जाते हैं और शाम होते होते वहीं फल सब्जी सड़कों पर फेंकना पड़ती है। पूरे मामले की शिकायत लेकर स्थानीय सब्जी एवं फल व्यापारी विधायक और SDM के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा बताई। विधायक ने गरीब लोगों को न्याय दिलाने की बात कही और 500 रुपए का चालान बनाकर धूम्रपान की कार वाहन छोड़ने पर नाराजगी व्यक्त की। हमारी यह मांग है कि शासन के अनुसार हम सब्जी बेच रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि हम होम डिलीवरी घर बैठे देते हैं, तो अब ये पुलिस आती है और हमारे आके तराजू ले जाती है, तो हमारा ये कहना है कि हमको ऐसा करने सब्जी नहीं बेचने देते हैं तो हमको एक महीने का राशन दिया जाए, हम घर बैठेंगे, सब्जियाँ खराब हो जाती है फेंकना पड़ती है। आते हैं गरीब लोग हैं साहब, हम झोपड़े में रहते हैं, यहाँ पर धंधा करे थे, पुलिस आया हमारे बाट तराजू लेकर चले गए। अच्छा, ये बाट तराजू लेकर गए, धंधा पानी कैसे कमर पर खाएंगे। हसन से ये चाहते हैं कि हमें 2 घंटे की छूट दी जाए, थोड़ा बहुत व्यापार कर सकते हम, उससे हमारा घर बार चले। नहीं, ये सब्जी बादी वाले लोगों ने, जो फल फ्रूट वालों ने मेरे को आवेदन दिया है, उसको SDM से अभी फ़ोन करके बात की है और अभी वो आ रहे हैं 1 घंटे में, इनका निराकरण करें और पुलिस ने अगर कोई चीज़ उनके पास से ली हो तो तुरंत वो SDOP साहब को फ़ोन कर रहे, SDOP को लगा करके उसका निराकरण करें। और ऐसी स्थिति में सबके लिए, गरीब हो अमीर हो, सबके लिए उचित न्याय है। अगर उसके साथ किसी कोई नशीली चीज़ें लेकर के, नशीला पदार्थ ऐसी चीज़ें भर करके जा रहा है और 500 रुपये उससे लेकर के छोड़ देना, वो ठीक नहीं है। वो पुलिस ये पक्षपात नहीं किया जाए। ये अभी कलेक्टर साहब से बात करूँ, SP साहब से भी अभी बात करूँ।